नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। आज हमारे मंडावर क्षेत्र से श्री खाटू श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में खाटू धाम सहित सालासर बालाजी के लिए बस यात्रा जा रही है। उक्त बस यात्रा जो यह धार्मिक संगठन है उसके द्वारा हर माह की अमावस्या को जाती है और इसी क्रम में वह अमावस्या को खाटू धाम के लिए जाती है, लेकिन इस बार खाटू धाम सेवा समिति के द्वारा यह यात्रा खाटू धाम के अलावा सालासर बालाजी के लिए भी जा रही है। इसी दौरान यह यात्रा तीन बसों में करीबन 200 यात्रियों और खाटू प्रेमियों के सहित जा रही है और इसी दौरान हम खाटू धाम जा रहे यात्रियों से इस संबंध में वार्ता करेंगे और उन्हीं से जानेंगे इस यात्रा के बारे में पूरा विवरण। हमारे साथ खाटू धाम जा रहे यात्री जुड़े हुए हैं और इसी दौरान श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष, आपका नाम? हरिओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और यह यात्रा के बारे में हमें दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। हमारी यात्रा काफ़ी दिन से जा रही है, हर महीने जाती है और अब की बार तीन बस लेके जा रहे हैं जिसमें कि कम से कम 200 सवारी हैं, जिसमें कि लेडीज एवं जेंट्स और बच्चे शामिल हैं और बहुत समय से और सभी यात्री बड़े प्यार से जाते हैं, हिलमिल के जाते हैं, इससे हमें भाईचारे का संदेश मिलता है। यह यात्रा आपकी कौन सी यात्रा है? तो ये 27वीं यात्रा है। इससे पूर्व आप 26 बार यात्रा ले जा चुके हैं जी। अभी तक जो यात्रा गई है वो खाली खाटू धाम के लिए गई है? खाली नहीं, पहले सालासर भी गई है। साल में एक बार? अच्छा, साल में, वर्ष में एक बार इनका कहना है कि सालासर भी जाते हैं जी। तो इस बार सबसे अधिकतम यात्रियों के साथ जा रहे हैं या पहले भी पूर्व में भी ऐसा ही यात्रा विशाल जा चुकी है? नहीं, पूर्व में भी ऐसी विशाल यात्रा जा चुकी है। तीन बसों के साथ जी? चार बसों के साथ। इसी दौरान हमारे साथ खाटू धाम जाने वाले यात्री जुड़े हुए हैं, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार गोयल है। इस यात्रा को लेकर आपके मन में जो उमंग है और क्या उद्देश्य है आपका और क्या विचार है हमारे सामने रखिए। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी यात्रियों को बाबा से जुड़ाना एवं बाबा के अरदास लगवाना और श्याम प्रेमी को ले जाना, यही उद्देश्य है हमारा। आप भी खाटू धाम जा रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार सैनी है। ये खाटू बस यात्रा हर महीने जाती है और बेस्ट रहती है। हम पूरे राजस्थान में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बाबा श्याम की हर घर जोत जले और हमारी खाटू श्याम सेवा समिति फ्री में सबको खाटू श्याम सेवा समिति की तरफ से फ्री जोत जलाई जाती है। अबलू डॉक्टर साहब, आप भी इस यात्रा में जा रहे हैं, आपका नाम? अबलू राम सैनी। अबलू राम जी सैनी, आप इस यात्रा में जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम 12 महीने से जा रहे हैं इसी। अच्छा, आप पूरे 12 महीने से लगातार जा रहे हैं और हर माह जाते हैं? हर माह। तो आपको कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा अनुभव रहता है, कम से कम एक दिन शांति तो मिलती है। अच्छा, यहाँ रहने के बजाय आपको वहाँ खाटू धाम में जाकर और बाबा के दर पर जाकर आपको शांति मिलती है, तो आप और क्षेत्र के लोगों को इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? और भी भेजते हैं हम और उनको भी साथ में जोड़ते हैं और सुधार ले जाते हैं सबको। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। आप इस यात्रा को लेकर आपके मन में जो उमंग है और क्षेत्र के लोगों को, दर्शकों को और खाटू प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको जाना चाहिए यात्रा में, बहुत अच्छी यात्रा है, बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं। आपका नाम? सतीश सिंगल। आप लगातार जाते हैं, पहली बार जा रहे हैं? मैंने 12 महीने 6 बार। अच्छा, 12 महीने या 1 महीना छोड़कर 1 महीने जाते हैं आप? 6 बार। आपको कैसा लग रहा है यात्रा में जाकर? रामदयाल सैनी है मेरा नाम। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा श्याम की कृपा हो रही है और सब हमको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं बाबा श्याम का। खाटू धाम जाने वाली और सालासर जाने वाली पहली बस है, इसमें हम चढ़ चुके हैं और यात्री आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि बस में बैठे हुए यात्रियों को दिखाए। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल हरे केशव की जय। आपको अभी हमारे सामने बस में बैठे खाटू प्रेमी जो यात्रा में जा रहे हैं इनसे बात करते हैं, आपको कैसा अनुभव रहा खाटू में? आपका नाम? उमाशंकर अग्रवाल। उमाशंकर जी अग्रवाल हैं और आप खाटू धाम समिति के कुछ सदस्य भी हैं क्या? हाँ, आप सदस्य हैं। ये खाटू श्री खाटू श्याम सेवा समिति के मंडावर के सदस्य भी हैं और आपका ये अनुभव खाटू धाम यात्रा जो सालासर बालाजी भी जा रही है, इसका कैसा अनुभव है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है जी, मन को शांति मिलती है जब से बाबा से जुड़े हैं, जब से मामा से जुड़े हैं, जब से आनंद ही आनंद है। ये मान के चलो, हम तो हर आदमी चाहते हैं कि बाबा शाम तक
पहुँचे। हमारे तो ये रहता है हमेशा लोगों से कि हर व्यक्ति वहाँ पहुँचे, आनंद की अनुभूति होती है। इनका मानना है कि खाटू धाम जाने पर आनंद की अनुभूति होती है हर प्रकार से। आपका कुछ विचार है इसके बारे में? परमानंद मिलता है, आनंद नहीं परमानंद मिलता है बाबा के दरबार में। और हमारे साथ जुड़े सरपंच साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? जितेंद्र बोहरा मेरा नाम। जितेंद्र जी बोहरा इनका नाम है और ये खाटू धाम जा रहे हैं और इस यात्रा को लेकर इनके मन में जो उमंग है वो आपके सामने दिखाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की धार्मिक यात्रा हर महीने हर क्षेत्र से हर प्रकार से होनी चाहिए, जिससे क्या है हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता है। और दो विंडो सीट थी, एक भाई एक ही है। नंबर उससे है ना, उसे देखो ना आपकी देख ली, वो 26-27 दे रही और 31 ये इधर वाली सीट है। विंडो सीट कहाँ है? दो विंडो की होगी ना। मैडम आप आ जाओ एक बार। बोलो खाटू नाम 26-27 तीसरी कर लो। आई लाइट है हम तीसरी मार। अंदर की जड़ा दी समझ ले। स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ था यार। हरदम पीछे एक तो जटवाला में तुम्हारी, फिर रशीदपुर चौकी पे मौत ले ली और भगवास ले ली। क्या कहो डीलर को?